हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षन। वेलकम बैक टू वर्ड्स माय रिव्यू। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आदित्य सरपोदर की मुंजिया फिल्म के बारे में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टू बी ऑनेस्ट, मुझे फिल्म का ट्रेलर तो ठीक ठाक लगा था, बट जब फिल्म देखी और थिएटर से बाहर आया बोलती बंद। ये कहानी एक ऐसे एग्रेसिव लड़की की जो मुन्नी नाम की लड़की से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है और वो उससे शादी करना चाहता है। भले लड़की उससे 10 साल बड़ी है, बट फिर भी उसका मानना है कि ये मेरे अलावा किसी की हो नहीं सकती। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो जाती है और फिर ये गोस्ट बनकर अपनी आधी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता है बिट्टू के सहारे। इस पूरी फिल्म की स्टोरी लाइन का बैकड्रॉप महाराष्ट्र में सेट किया है, जब पुणे एंड कोंकण एरिया में इसकी शूटिंग हुई है। आदित्य सरपोदर मराठी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर, जिनका बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेशियो हमेशा 95-100% ही रहा है। इनकी लास्ट दो मराठी फिल्में जोंबली और उड़ान देख लो, कम से कम बजट पे इन्होंने विजुअली अपीलिंग फिल्में बनाई है। एंड यहाँ पे तो ये हिंदी फिल्म है और मेंटोक प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे तो पैसे की कोई कमी नहीं है। एंड इसलिए आदित्य सर ने इस बार सोचा हो कि पैसे की चिंता मैं क्यों करूँ, मैं सिर्फ कंटेंट और उसके आउटपुट पर फोकस करूंगा। एंड ही हैज डन स्प्लेंडेड जॉब। इस फिल्म के टाइटल कैरेक्टर यानी कि मुंजिया का ग्राफिक्स तो भाई देखने लायक था। मतलब फिल्म में ऐसे कई सारे मोमेंट्स है जो तुम्बाड़ की याद दिला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम्बाड़ का 2.0 वर्जन देख रहा हूँ। एंड चेरी ऑन द केक, जिस चाइल्ड एक्टर ने मुंजिया नाम का कैरेक्टर प्ले किया, हैट्स ऑफ टू हिज एक्टिंग। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें कॉमेडी आपको बिट्स एंड पार्ट्स में नजर आएगी। कॉमेडी डायलॉग्स है जो आपको थोड़ी बहुत हंसाएंगे, बट बाकी इस फिल्म में आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। स्पेशली जब मुंजिया बिट्टू को हॉन्ट करने लगता है और कहता है कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे आसपास के सभी लोगों को मार दूंगा, वही फिल्म का स्क्रीन पे सबसे स्ट्रॉन्ग लगा, बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट था वो फिल्म का। इस फिल्म को मैडॉग वालों ने प्रोड्यूस किया, तो समझो कि मल्टीप्लेक्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको एक सरप्राइज देखने को मिलेगा जो आपके चेहरे पे जरूर हंसी लाएगा। इस फिल्म की स्टोरी लाइन में महाराष्ट्र में बैकड्रॉप टेन आदित्य सरपोदर इस फिल्म के डायरेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है 70-80% ऑफ द स्टार का इसमें मराठी एक्टर्स ही है। हमारे सुहास जोशी, भाग्यश्री लिमे, अजय पुरकर, अभिजीत चौहान और कई सारे मराठी एक्टर्स है जिनकी परफॉर्मेंस आपको फर्स्ट क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस फिल्म के सारे नाइट आउटडोर सिक्वेंसेज, उनका डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और उनकी कलर ग्रेडिंग कमाल की है। अब वैसे देखा जाए तो गिन चुन के इस फिल्म में सिर्फ एक दो गाने जिनका इम्पैक्ट ज्यादा कुछ है नहीं, बट बीजीएम कई जगहों पे काम कर जाता है। इस फिल्म में ऐसे मल्टीपल सीक्वेंसेज है जहाँ मुंजिया नाम का एक कैरेक्टर कहता है कि बेला लगिन, जो कहीं ना कहीं मुझे मराठी फिल्म पछाड़ लीला से इंस्पायर लगा, क्योंकि पछाड़ लीला नाम की मराठी फिल्म में भी एक सिमिलर कैरेक्टर था जो शादी करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड देन एज अ गोस्ट वो कहता है कि बाबा लगिन बाबा लगिन। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा का पूरा कॉपी किया, बट थोड़ा बहुत लूजली इंस्पायर तो जरूर है। एक्चुअली मैंने ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ आदित्य सरपोदर सर के लिए देखी, क्योंकि उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मराठी इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल डायरेक्टर में से एक है वो। एंड सेकंडली मुझे उनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है, सो ऑब्वियसली एज अ फैन तो देखना ही था। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे एक ऐसी फिल्म है जो मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 बार और देख सकता हूँ, इतनी अच्छी लगी है। स्पेशली फिल्म के लीड एक्टर्स की पेयरिंग, दे लुक वेरी स्वीट टुगेदर। एंड अगर मुझे फिल्म को रेट करना हो देन 5 out of 5 की रेटिंग देना चाहूंगा आराम से। अगर आप में से किसी ने फिल्म देखी है देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।